हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश हूँ। माइंड ट्रेनर और लाइफ में कोच विद ब्रेन एक्टिवेटर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बॉडी को विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। 90% बीमारी, यस सर, 90% बीमारी साइकोसोमेटिक होती है, मन से तैयार होती है और उसको मन से हम ठीक कर सकते हैं। NLP के मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ। NLP के टेक्निक्स में मेमोरी कैसे बढ़ेगी, हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, मनी को कैसे हमें ज़्यादा कम कमा सकते हैं, या फिर हम स्पिरिचुअली या फिर सोशली हम कैसे डेवलप हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताने चाहता हूँ कि आज मैं हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा कि आप बीमारी को भी माइंड पावर से ठीक करोगे। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। जो भी कोई बीमार लोग हैं तो उनको आप ये शेयर कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निक बता रहा हूँ NLP का, जो मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ लोगों को। उस समय पर एक ही चीज़ होती है, NLP की लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको मन की समझना पहले ज़रूरी है। माइंड की लैंग्वेज न्यूरो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, न्यूरो ब्रेन, तो इसकी लैंग्वेज हमें समझनी है। तीन भाषा है, सिंपल है, ऑडियो, वीडियो एंड काइनेस्थेटिक। ऑडियो यानी बोलना या फिर सुनना, दूसरा है वीडियो यानी देखना, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फील करना। यस, अगर आप देखते हो, बोलते हो, फील करते हो तो आपका माइंड उसको रजिस्टर करता है, एस्केप कर लेता है, और वो आपके बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर वो इतना प्रभाव डालता है कि आपको वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, यहाँ पे हमारा बॉडी पावरफुल है या माइंड पावरफुल है? तो काफ़ी लोग कहेंगे बॉडी पावरफुल है। मैं कहता हूँ नहीं, बॉडी से भी पावरफुल हमारा माइंड होता है। एग्जाम्पल, आप शादी में गए, बहुत थके हैं, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, पांच शादी आपने अटेंड किया हो, आप अटेंड करके घर पे आए हो, घर पे आने के बाद आप इतने थक गए हैं, आपका बॉडी जो है उठने के लिए राजी नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि हमें नींद लेनी चाहिए। आप मुझे बताओ, आप पूरे दिन में घूमे हो, शादियों को अटेंड कर चुके हो, आप घर पे आ जाते हो पूरे थके हुए, तो उस समय पे, उस सिचुएशन में आप मुझे बताइए कि आपका बॉडी थका हुआ है या माइंड थका हुआ है? आपकी बीवी आपको कहती है आप जाओ चाय बनानी है, शक्कर नहीं है, शक्कर लाओ दुकान से, आप कहते हो नहीं मैं उठ नहीं सकता, मुझ में ताकत नहीं है, मैं उठ नहीं सकता, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। तो वो जो बीवी है क्या करती है, एक सांप मरा हुआ वो आपके बिस्तर के बाजू में रख देती है, और आप फटाक से उठ जाते हो और भागने लगते हो। तो उस समय पे आपको एनर्जी कहाँ से मिला है, उस समय पे आप इतने एक्टिव कैसे हुए हो? तो ये हमारा बॉडी है। आपने कितने लोगों ने अनुभव लिया है, आप इतने, आपको भूख लगी है, आपको काफ़ी बॉडी में भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के चक्कर में आपका माइंड उस झगड़े में फोकस है, और आपको जो है उस झगड़े करते हो उस समय आपका भूख जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। या फिर आपने देखा होगा जब आप खेल खेलते हो तो आप उस खेल में इतने फोकस हो, कॉन्सेंट्रेट हो, और उस फोकस में आपको काफ़ी जख्म हुआ है, आपका खून बह रहा है, तभी भी आपको उस पेन को फील नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका फोकस है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपका माइंड, तीन लैंग्वेज, देखना, बोलना और फील करना, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो रिज़ल्ट 100% मिलता है। क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे माइंड को एक लैंग्वेज जो हम यूज़ करके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये अगर समझ में आया आपको तो आपको बड़े बड़े आप जो है बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पहले छोटे से बीमारी को ठीक करेंगे। अगर अभी आपके शरीर में पेन है, दर्द है, तो इस दर्द को हम ठीक करेंगे विदाउट मेडिसिन, पेन किलर। छोटा सा दर्द, जैसे सिर दर्द हो सकता है, पेट में हो सकता है, हाथ पैर में हो सकता है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, तीन लैंग्वेज, अगर ये तीनों चीज़ें आप 100% देते हो तो आपको रिज़ल्ट इंस्टेंटली मिल जाएगा, 30 सेकेंड्स में मिल जाएगा। चलो मैं आपको बात करता हूँ, सिर दर्द, अभी जब भी आपका दुख गया, सिर दर्द है तो उसको ठीक कैसे करना है, मेंटली आपको आंखें बंद करनी है, आपको देखना है, आपको बोलना है और आपको फील करना है। क्या देखना है, क्या बोलना है और क्या फील करना है, आपको आंखें बंद करके जो सिर दर्द है, आपका सिर दुख रहा है, उसको आंखें बंद करके एक इमेज लानी है, फोटो लानी है, पिक्चर लानी है। ये इमेज
जब लाओगे तो आपको दिख जाएगा। क्या इमेज ला सकते हैं? तो आप देख सकते हैं आपका जो सिर है, जो भी आपको पेन हो रहा है वो रेड कलर का है, एक लिक्विड है, एक पानी है। क्या है ये जो पेन है, ये जो दर्द है, वो आंखें बंद करके देखिए, एक लिक्विड है, एक पानी है, पानी है, लिक्विड है। चलो देखा हमने, अभी क्या बोलना है? ये जो मेरा दर्द है वो मुझे दिख रहा है लिक्विड, ये लिक्विड है, ये दर्द है वो जो दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में, लाल कलर का लिक्विड है, इसे बोलना है। बोलना ज़रूरी है, जब बोलोगे और उसको फिर विजुअलाइजेशन और भी अच्छा होगा। अभी फील करना है, फील क्या करना है, फीलिंग जितना आप ज़्यादा डालोगे उतना ही आप रिजल्ट को जल्दी से अचीव करोगे। आपको क्या करना है, आँखें बंद करके देखना है कि जो दर्द है वो लिक्विड है आपको दिखाई दे रहा है, और फील क्या करना है, अभी मैं इस लिक्विड को निकाल देने वाला हूँ, कहाँ से, कानों से बाहर, यस मैं इसे निकाल देना चाहता हूँ, ये निकल रहा है। फील करना है कि सच में निकल गया है, हाथों का यूज़ कर सकते हैं, ये कान में से टिल्ट करना है गर्दन को, और ये जो लाल लिक्विड है निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, ऐसे बोलते रहना है, और देखना भी है कि सच में ये निकल गया है, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, फील करना है, और सब कुछ निकल गया है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, छोटा सा, उसे भी निकाल रहा हूँ मैं, छोटा सा है, निकल गया, निकल गया, निकल गया, यस हो गया काम। सिर दर्द गायब हो जाएगा, विश्वास नहीं आ रही, ये तो प्रॉब्लम है, हम विश्वास नहीं रखते, लॉजिकल लॉजिकल ब्रेन का यूज़ करते हैं जो 10% है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जिसके अंदर इमोशनल पावर है, विजुअलाइजेशन की पावर है, उसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये पढ़ाया नहीं है। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है, जो आप अगर ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन करते हो तो आपके शरीर के ऊपर वो आ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे लेने हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं था ना, चलो ट्राई करो, मैं आपको कहता हूँ कि आपके दो हाथ है वो मैग्नेट बन गए हैं, चिपक गए हैं, आंखें बंद करो और देखो कि दोनों हाथ चिपक रहा है, चिपक रहा है, बोलो और फील करो कि दोनों हाथ चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए, ऐसा आप करो। वीडियो मोबाइल को साइड में रख लीजिए, ट्राई करने में क्या जाता है, अगर ये काम करता है तो वो भी काम करेगा। आंखें बंद करके फील करो, आपके हाथ दोनों मैग्नेट हैं, चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए, आंखें बंद करना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, और फीलिंग तो 100% ज़रूरी है। और ये इतनी चिपक गए कि निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, ऐसे बोलते रहना है, ये निकल नहीं सकते, चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए, कोशिश करो निकालने की, कोशिश करो निकालने की, आप कितना भी कोशिश करोगे तो नहीं निकलेंगे, कितना भी कोशिश करोगे नहीं निकलोगे, यस आप ट्राई करो, यू विल फील कि आपके हाथ में सच में मैग्नेट बन गए, निकल नहीं सकते। ट्राई करो इस चीज़ को, ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है, अगर ये काम करता है तो वो 100% काम नहीं करता, अगर काम नहीं करता है तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हो, उसको फील कर नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये अमेजिंग टेक्निक है, आप ट्राई कीजिए अपने बॉडी के लेवल पे, जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे आंखें देख बंद करके देखना है, जैसे आपका पेट दुख रहा है, आंखें बंद करके देखो कि ये जो स्टमक है वहाँ पे है रेड पैच क्रिएट हुआ है, लाल लिक्विड है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप क्या करना है, हाथ लेना है और ऐसे निकाल देना है, ऐसे निकाल देना है, आंखें बंद करके उसको निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, देखिए, बोलिए, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, और फील करना है सच में यहाँ पे कुछ था वो निकल रहा है, आपको ऐसा महसूस भी करना है, और कई लोग उसे महसूस भी कर पाएंगे। ये चीज़ ट्राई कीजिए, आपका हाथ में दर्द है, पैरों में तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, तो उस जगह पे आप जो है अभी कमर में या फिर पीठ के ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा, तो उसको आप आंखें बंद करके आपका पीठ सामने आया है ऐसा भी विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इलॉजिकल ब्रेन है, उसके पास लॉजिकल पार्ट नहीं है, लॉजिकल कॉन्शियस माइंड में है, सब कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं समझ सकता, वो उल्लू है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वो कुछ नहीं समझ सकता, वो उसको बस कमांड की ज़रूरत है, उसको बोलना, देखना और फील करना ज़रूरी है। अगर आपका रिजल्ट आया, आपका पेन दर्द आपने ठीक किया, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और हमारे जो अमेजिंग टेक्निक्स है, जैसे NLP है, रेकी है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, थर्ड एक्टिवेशन मेमोरी टेक्निक्स है, इन सभी चीज़ों का आपको घर बैठे सीखने के लिए आप जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है थर्ड एक्टिवेशन मास्टरी, जो आप घर बैठे हमारे 16 दिन का कोर्स है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप खुद उसे सीख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, अगर मिड ब्रेन नहीं पता है तो पूरा देखिए।
थैंक यू। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्ची की थर्ड आई खोल दीजिए। आपकी बच्ची की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चे को लाइफ टाइम दिखेगा, आँखें बंद करके और लिखेगा पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आँखें बंद करके लड़ाई करते थे सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चे को एक आँख मिलने वाली है, तीसरी आँख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आँख। सेकेंड जो फायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आँखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति, और आँखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए तभी भी उनको दिखता है, उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं सुनिए। आँख बंद करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीज़ों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, पता लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारे पीनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर, इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग, की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है, आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं, आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफी स्टूडेंट है, वो स्कूल में 1 act शो दिखाते हैं। छान त्याच्यासाठी क्लॅप होऊ या, एक बरोबर सांगतो। आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर। वाओ, आर। मेरे काफी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं, यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए, आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ इसके लिए करना है, थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है, ये जो पावर है इसके लिए करना है। उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए, हमारे जो इनपुट्स है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंस ऐसे, अगर वो कम इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट की, चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है, और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई, कैसे गाइस? ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है, एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से,
जो एक सर्टिफाइड ब्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिडब्रेन एक्टिवेशन जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए, कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊँ, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचं इन ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अवनीचे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य करतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा, आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला, आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिडब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिडब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के जरिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए, इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन एक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लास विषयी मी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी, माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे, तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही। पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा, म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज, तिला कळतंय, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते, माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं
भांडत होतो म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमचं दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहिंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतो, आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आम्ही आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी जी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला, आणि तुझं आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली, जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असते ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी सुद्धा चेंज झाल्या, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद देऊ तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय, आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो, जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे यामुळे, असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे, माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते, त्या पण डेली मेडिटेशन करताय. आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को खींच गए पर जाने